सो गाइस फाइनली हमने ले लिया एक DSLR कैमरा जो कि एक कैनन का 1500D। तो इस वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और इसका कुछ टेस्ट करके देखेंगे कि कैसा है। तो अगर आपको अपने इमेज और वीडियो की क्वालिटी इंप्रूव करनी है तो आपको कैमरा लेना पड़ेगा। फ़ोन से वैसी क्वालिटी नहीं मिल पाती जो कैमरा दे देता है, तो हमने इसको अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बहुत बड़ा सा बॉक्स आया है तो इसको ओपन करके देखते हैं। तो हमें दो चीज़ें मिली, एक तो कैमरे का बॉक्स है, दूसरा क्या है इसका बैग है जिसमें हम कैमरे को रखेंगे। तो हम बैग को रखते हैं साइड में और कैमरे को ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो बॉक्स को ओपन करते हैं तो हमें कुछ इसके बबल्स वाला ये रैपर है, इसके नीचे हमें मिल जाते हैं कुछ पेपर वर्क जो कि आप नहीं पढ़ते हैं, हम भी नहीं पढ़ते हैं। इसको हटा देते हैं तो हमें सबसे राइट साइड में मिल जाता है हमारा कैमरा। तो इसको इस रैपर के बाहर निकाल के देखते हैं कि आखिर ये दिखता कैसा है। सो गाइस इसकी जो ब्लैक कलर की फिनिश है बहुत ही अच्छी लग रही है और इसके साथ एक बैंड भी मिल जाता है जिससे आप इसको गले में फंसा के आसानी से यूज कर पाएंगे और ये गिरेगा नहीं। लेफ्ट साइड में हमें मिल जाता है इसका एक बेसिक सा लेंस जो कि 1855mm का लेंस। इससे आपको डिसेंट क्वालिटी की इमेजेस मिलेंगी, पर आपको अगर क्वालिटी इंप्रूव करनी है तो आपको एक लेंस लेना पड़ेगा। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 50mm का लेंस लें। और हमें इसके अलावा बॉक्स में मिल गया है एक चार्जर जिससे हम इसकी बैटरी को चार्ज करेंगे, पर बैटरी कहाँ है भाई, बैटरी तो दो। तो हम और देखते हैं हमें बॉक्स में क्या क्या मिलता है। सो गाइस हमें फाइनली मिल चुकी है बैटरी, तो छोटी सी बैटरी है। तो इसको आप चार्ज करेंगे तो एक बार में लगभग आप 700 इमेजेस के आसपास क्लिक कर सकते हैं, तो काफ़ी है। और इसके अलावा हमें मिल जाता है एक SD कार्ड जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। 16GB का SD कार्ड मिल गया है हमें बॉक्स में, तो आप नॉर्मल यूज़ कर पाएंगे अगर आप बहुत हैवी फोटोग्राफर नहीं है तो ये सब चीज़ें साइड में रखते हैं। और हम अब SD कार्ड को और बैटरी को कैमरे में लगा के देखते हैं और इसे ऑन करके देखते हैं भाई कि चलता कैसा है। तो ये SD कार्ड का ये स्लॉट में हमने SD कार्ड लगा दिया और बैटरी को भी लगा देते हैं। तो हमने इसे अब लगा लिया है, अब हम लेंस लगा के देखेंगे क्योंकि बिना लेंस के यूज कैसे करेंगे भाई, भाई ओपन कैसे होता है ये। तो इसको कुछ ऐसे ओपन करना है, इसको लेफ्ट साइड में घुमाना है और इसके वाइट वाले पॉइंट को मिला के इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। सो बहुत ज़्यादा मशक्क़त के बाद मैं इसको लगा पाऊँगा या नहीं भाई, कैसे लगता ये। 2 hours later ओह गाइस फाइनली हमने इसे लगा लिया है। तो अब इसको ऑन करके देखते हैं, ऑन करने का बटन ये ऊपर है, मिल गया भाई एक बार में मिल गया। सो गाइस ये टच स्क्रीन नहीं है, आपको बटन से एडजस्ट करना पड़ेगा, पर आप सिर्फ टच स्क्रीन के लिए आपको और पैसे देने होते हैं, मतलब आपको लगभग 20,000 एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। इससे तो अच्छा है कि आप ऐसे यूज कर लें, आपको इमेजेस में कोई डिफरेंस देखने नहीं मिलेगा। बस आप वीडियो में आपको क्या होगा कि अगर आप कैनन का मार्क टू लेते हैं तो वीडियो में ऑटो फोकसिंग बहुत अच्छी रहेगी। इसका इंटरफेस कुछ इस टाइप का है, ऊपर हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स दिए हुए हैं जिसमें से हम डिफरेंट मोड्स में जा सकते हैं, वीडियो में या फिर पोर्ट्रेट मोड में, ऑटो मोड में, मैनुअल मोड में ऐसे। तो मैं सजेस्ट करूँगा स्टार्टिंग में आप ऑटो मोड यूज करें और ये ऊपर साइड के बटन से आप फोकसिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये अपने आप ही फोकस एडजस्ट कर लेता है। तो हम एक इमेज खींच के देखते हैं कि कैसी इमेज आती है। सो हमें इस बटन को प्रेस करके रखना होगा, ये ऑटोमेटिकली फोकस करके इमेज को क्लिक करेगा। जब तक फोकस नहीं होगा तब तक इमेज नहीं क्लिक होगी। सो गाइज हमने फोटो खींच ली है, चलिए मैं आपको इसको दिखा भी दूंगा कि फ़ोटो कैसी आई। सो गाइज इमेज की क्वालिटी काफ़ी सही सी लग रही है, आप मोबाइल से ऐसी फ़ोटोज़ कभी नहीं खींच पाएंगे क्योंकि इसका जो लेंस होता है काफ़ी बड़ा होता है, फ़ोन का लेंस छोटा होता है। तो समझ सकते हैं आप फ़ोटो में कितना डिफरेंस आता है। तो इसके कुछ और चीज़ें देखते हैं हमें क्या क्या मिल जाता है। तो हमें लेफ़्ट साइड में कुछ स्लॉट्स दिए गए हैं HDMI वगैरह के, और यहाँ पे लेंस में हमें दो बटन्स मिल जाती हैं, एक क्या है कि स्टेबलाइजेशन ऑन ऑफ करने के लिए, एक ऑटो फोकस ऑन ऑफ करने के लिए, मतलब ऑटो फोकस ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा, और एक स्टेबलाइजेशन होता है जो आप वीडियो में यूज़ करते हैं, मतलब वो हिलता हुआ वीडियो नहीं दिखता है, आपको बिल्कुल स्टेडी वीडियो दिखेगा। तो मेरी रिकमेंडेशन यही कि आप ऑन करके यूज़ करें। तो गाइस इसको टेस्ट करने के बाद काफ़ी डिसेंट सा पैकेज लग रहा है, अगर आपका बजट 30,000 के अंदर है तो आपके लिए बेस्ट कैमरा होगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और हमारे गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।